हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। थ्री नंबर और त्रिशूल का साइन प्रोमिनेंटली बैठा है, सो शिव भक्त होने की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको महादेव पे बहुत विश्वास है। 3 नंबर 30 नंबर आपके पर्सन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है और सोल कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन, एक्चुअली स्पिरिचुअल भी है, डिवाइन कनेक्शन और अलग एनर्जी है। अब दोनों की प्रेम कहानी ना, यस प्रेम कहानी है, इसमें ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा। इसमें मिलना कम बिछड़ना ज़्यादा लग रहा है, प्यार की बातें कम लेकिन झगड़ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे सी आप फिल्म देख सकते हैं ना कि जहाँ पे एक दूसरे के लिए प्यार है ना, कुछ भी हो जाए वो कम नहीं हुआ। कितना भी बोले, कितना भी दूर जाए, ना आपसे कम हुआ ना उनसे कम हुआ, बस इजहार एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कम था, स्पेशली उनकी तरफ से कि वो प्यार के एक्सप्रेशन में वो कभी कम नहीं है। लेकिन जो साथ ना देना है या आपके लिए स्टैंड लेना है उसमें कम है, या गलत समझना वगैरह सब चीज़ें। फ्लेम का अंदाज और वो सब चीज़ बता तो रहा है कि इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और ये इनकी तरफ से ज़्यादा थे कि शुरू में प्यार और वो इजहार है ना उनकी तरफ से बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे से चीज़ें ना इनकी तरफ से ही ख़राब हुई है। और ख़ास करके ना अजीब सी डर या इनसिक्योरिटीज़ या डिसीजन ना ले पाना, ये बहुत ज़्यादा थी। लाइक अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मतलब इनको ऐसा लगता था कि बस पहले ऐसे था कि ये कैसे थे कि देख लेंगे, मना लेंगे, लेकिन एक वक्त आया ना जिसे उन्होंने ऐसे समझ लिया कि नहीं हो सकता, तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपने रास्ता देखूं, ऐसे कुछ एनर्जी थी। इनका ये बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल गया था। इनमें जो धीरे धीरे से बदलाव आए ना, ये आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर गए थे, क्योंकि ये इंसान पहले कभी नहीं था। आपको ऐसा लगा कि कहीं इस इंसान को कुछ किसी ने कर तो नहीं दिया ना, मतलब लाइक जैसे जादू कर दिया हो वाली चीज़ से, इस कदर ये इंसान बदल गया था। ऐसा लग रहा है कि ये था ही सही कि ये एक कार्मिक साइकिल या सर्कल या एनर्जी थी जो आप दोनों के बीच में एक दरार बन के पैदा हुई और धीरे धीरे से एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन दिल या सोल से एक दूसरे को निकाल पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि अपने अपने लाइफ में आप लोग बिजी तो हो गए, लेकिन एक बैकअप द माइंड में हमेशा आप एक दूसरे के साथ थे। आपको भी हमेशा लगता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और अभी भी लगता है, मतलब कितना भी कुछ करे, बट सेम वे इनको भी लगता था। बस ये चीज़ है कि ये ना उस चीज़ को ना दिखा नहीं पाते या एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। करंट एनर्जी में इनकी तरफ से ऐसा है ना कि ये ना बहुत सारी बातें जब आपके बारे में याद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कि अचानक से याद आती है कि किस तरह से हम बात करते थे, कहीं घूमते फिरते थे, खाते पीते थे वगैरह, हर चीज़ इतनी इतनी फ्री थी ना कि जैसे ना इंसान अपनी लाइफ में
मस्त है, जी रहा है खुल के, मतलब कुछ बात है वो खुल के बोल रहा है, कुछ बात है जो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक मोमेंट है जो एंजॉय करता है, या एक रिश्ता है जो बहुत खूबसूरत है, हर वो बात याद आ रही है। इनको ना आज की एनर्जी में आप दोनों के बीच में हुए झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं याद है कि आपने क्या बोला था, क्या गलत किया था, ये नहीं याद आ रहा है आपको। उनको याद आ रहा है ना कि बस किस तरह से खूबसूरत रिश्ता था, किस तरह से खूबसूरत रिश्ता था। शायद ये ना अपनी लाइफ को या अपनी आप को ना इतना क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम कर रहे हैं या इस तरह से एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और वो आपके साथ ही, और ये एक भ्रम की या एक क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे आप दोनों एक साथ हो, और पहले भी था, पहले भी ऐसी खूबसूरत एनर्जी थी, उसी ही उसी को हो एक एक्सटेंशन में या उसी को आगे लेके जाके, जैसे आप लोग साथ हो, शादी हुई है, आप लोग का एक लाइफ है, बच्चे है, ये है वो है, हर चीज़ इमेजिन करते हैं एक यूनिवर्स की तरह, एक एक पैरेलल चीज़ की तरह वो भ्रम की दुनिया को इमेजिन करते हैं, या तो इनको ऐसे कुछ सपने आते हैं। यस, एक कोई ना भ्रम की एनर्जी है, जैसे मृगजल जैसे कहते हैं क्या, या वैसा कुछ एनर्जी फील हो रहा है इनकी तरफ से ना, प्रपोजिंग की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान है ना बैठा है, और जैसे कोई रिंग दे रहा है वैसे एनर्जी है, फूल दे रहा है, रिंग दे रहा है, ऐसी एनर्जी है। इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है आंखें, जरूरी नहीं कि स्पेशल मतलब कलरफुल ये वो सब नहीं, आपकी आंखें बहुत पसंद है। आपकी आंखों में ना जो इनोसेंस है या इनके लिए जो प्यार है वो उनको बहुत ज़्यादा खास लगता है, बहुत ज़्यादा खास। शायद इसीलिए तो आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल रिश्ता है वो आंखों से ही तो पता चलता है, तो वो उन्हें ऐसा फील होता है ना, कनेक्ट होता है कि क्यों कैसे पता नहीं, बट है तो सही कुछ। डियर या मृग हरिण ये इमेजेस बन रहे हैं। पता नहीं ऐसा लग रहा ना कि इनके सामने ना कोई ऐसा कुछ हुआ लाइफ में, या कोई ऐसा इंसान आया, या कुछ लाइफ में इंसिडेंस ऐसा हुआ ना कि जैसे इनको ऐसा लगा ना कि यही सही है, यही बेस्ट है, यही मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन हुआ, या अजीब सी फील हो गया, यही पर्सन है, यही मुझे चाहिए, ऐसा वाला चीज़ हुआ। मुझे मतलब पर्सन हो सकता है, या कोई कोई चीज़ हो सकती है, या मतलब करियर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सिचुएशन चूज़ करनी है, ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि वो एक भ्रम था, लेकिन उनको ये जैसे सोने का मृग होता है ना वैसे एक भ्रम क्रिएट हुआ, और वो उस चीज़ में फंसे चले गए। उनको ऐसा लगा नहीं ये यही बेस्ट है, प्रैक्टिकल भी है, सही भी है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट, वो कब उस एनर्जी में खींचते चले गए वो खुद नहीं समझ पाए, और अभी ऐसा लग रहा है ना कि उस एनर्जी से वो धीरे धीरे ना उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, कि वो भ्रम टूट रहा है, वो भ्रम टूट रहा है, वो भ्रम टूट रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ना चीज़ें इन्होंने गलत समझी थी, पर्सन तो वही था वैसे ही था, बट समा इनको पता नहीं क्यों वो सब चीज़ एकदम चकाचौंध, एकदम ग्लिटरी, एकदम ऐसा अट्रैक्टिव और सब चीज़ लगी, सही लगा, अगर सब चीज़ लवली लगी, और अभी ऐसा लग रहा है कंप्लीटली उल्टा हो रहा है, मतलब आसपास के लोग भी हैरान हो रहे हैं कि भाई कल तक तो तुम कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हो, कि ये पर्सन ऐसा है या ये सिचुएशन ऐसी है, मतलब एक चीज़ हो रहा है कि किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि किसी पर्सन के लिए आपको नकारा गया हो, या वो पर्सन पसंद आया, बेहतर लगा, या ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगा, जो भी है, तो अभी ऐसा उल्टा हो रहा है, मतलब इट्स नॉट कि आपकी तरफ इशारा ज़्यादा हो रहा है, बट समाज से लग रहा है वो पर्सन की तरफ से जो एनर्जी है ना वो काफ़ी हद तक कम होते जा रही है धीरे धीरे से। तो
नज़र की एनर्जी है तो है, नज़र है आपके ऊपर, नज़र है इन इनको जैसे बुरी नज़र लग गई थी या कुछ है, बट इस रिश्ते को बुरी नज़र लगी, इस रिश्ता, ये रिश्ता ना किसी की नज़र में था, शायद आप दोनों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था और ना ही आपको किसी को दिखाने की एनर्जी थी, बट समा वो रिश्ता है ना वो शायद लोगों की नज़र में आ गया था। एक अजीब सी ईर्ष्या जलन लोगों को इस रिश्ते से हो गई थी, क्योंकि दोनों में ना बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती थी, मतलब एक अलग सी एनर्जी थी, जैसे कि कुछ ना हो के भी बहुत कुछ होना, या तो आपका इनको इंपॉर्टेंस देना या इनको आपका, मतलब हर चीज़ दोनों भी तरफ से बहुत ज़्यादा, एक शुरू में ना बहुत खूबसूरत था, बहुत नज़र लगने लायक था, अभी चीज़ें बदल गई और सभी करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना, ये वो पलों को इमेजिन या पहले तो याद करते हैं जहाँ पे आप दोनों एक साथ हैं, वो इमेजिन करते हैं कि वो पल वापस आ रहे हैं, आप दोनों मिल रहे हैं वगैरह, उनकी लाइफ में ना रियलिटी को वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लाइफ में ये सब चीज़ उन्होंने गलत की है वगैरह सब चीज़, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका सोल्यूशन नहीं उनके पास कोई, जो डिसीजन रॉन्ग लेना हो या कुछ भी है जो उन्होंने किया है ना उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका क्या किया जा सकता है उनको नहीं पता, बट आपकी तरफ जो एनर्जी फील होती है ना बहुत खूबसूरत है, जैसे मतलब बिना बोले समझ जाना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहना ना कि बहुत इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा खास फील करता है, वैसे एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत एनर्जी इमेजिनेशन में है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है ना ये कम्युनिकेशन की एनर्जी से ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि ड्रीम्स के थ्रू या एनर्जीज के थ्रू टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपसे वैसे कनेक्ट हो रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू एंड काइंड ऑफ। इमोशंस आ रहा है और काफ़ी हद तक है ना अपने अंदर की बहुत सारी डर तकलीफ, स्पेशली डर का सामना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये इंसान के या तो बचपन में या तो पास्ट कनेक्शंस में या करंट कनेक्शंस में, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर किसी से कनेक्ट है, कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में ना जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि इस फंसे हुए की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि बात बात पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो चीज़ है ना, मतलब झगड़े तो आप दोनों के बीच में भी होते थे लेकिन जिस तरह से बुरी तरह से सिचुएशन इधर चल रही है ना वो वैसे नहीं होते थे, और इस बात का ही तो उनको तकलीफ हो रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या गलती कर दी है, आपको वो ढूंढ रहे जाने अनजाने में, ईश्वर से मांग रहे हैं, और मतलब ये इंसान इस तरह से नहीं मांग रहे कि क्या हो जाए क्या नहीं, इनको ऐसा लगता है ना कि आप जहाँ पे भी हो आप खुश रहें, हम एक साथ खुश थे अगर, ये सब चीज़ें याद करते ना वो जिस तरह से इनकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक वक्त आएगा जब आपका रिश्ता ना ये सोशली एक्सेप्ट करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी मैंने कहा ना, नाइट ऑफ कप्स है, प्रपोजल की एनर्जी है, बट ये धीरे धीरे से होगा, धीरे धीरे से होगा, धीरे धीरे से इनके सब्र का बांध टूटेगा और ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये तो आएंगे ज़रूर कुछ क्लैरिफिकेशन करना, लेकिन खूबसूरत बात क्या है जब ये शुरू में भी आएंगे ना तो एक इतनी खुशी होगी ना, ये जैसे कि उनको कोई क्या खजाना मिल गया या फिर क्या मिल गया हो, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको खोकर वो वापस पाया ना कि अपनी
कीमती चीज़ जैसे खो दी हो या गुम हो गई थी और वापस मिल गई हो, वैसे आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, सामने आने की ऐसे लग रहा है कुछ हद तक हिम्मत भी नहीं है और कुछ तक ताकत नहीं है, ना ही कुछ ये है कि जैसे ऐसा लगता है कि इनको सबसे ज़्यादा लगता है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।